हाय हाय, कैसी हैं आप? आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। आपके ऊपर एक गाना सुनाने का मन कर रहा है, सुनाओ आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, सुना सकते हैं। कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। एक मिनट, मैं अंदर से आती हूँ, एक मिनट। मम्मी मम्मी मम्मी, ये लड़का गाना सुना रहा है मेरे ऊपर। जमाई जी अभी से मोहित हो गए। बेटा लट्टू बन के घूमेंगे आजू बाजू। बढ़िया, ऐसा ही लड़कियां चाहिए। या हाय दी। हेलो, बिजी लग रहे हैं। दीदी यार, बात करो अन्नू से, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, वो बैलेंस शीट भिजवानी है। अरे सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं यार, बैलेंस शीट भी भिजवानी है, डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाने। समझ में नहीं आता क्या तुमको? या हाय अन्नू, कैसी हो? अच्छा, तुम तो वो कैपिटल कंपनी में काम करती हो ना, तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब सेल करना होता है। अच्छा बताओ मुझे, मुझे सेल करके दिखाओ इंश्योरेंस एक। हाँ मैं करती हूँ, अभी मूड नहीं बताने का। मतलब जॉब इंटरव्यू है क्या? कब से इसकी बहन चकर चकर किए जा रही है? ये लड़का बात नहीं करेगा क्या? इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे क्यों बुलाया? दी मैं चलती हूँ, ठीक है? इनको बाय बोल देना। हाय, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। हाय, ओके चलो चलते हैं। यहाँ कहाँ बैठेंगे? दिल्ली हाट चलते हैं, ठीक है? हाँ चल सकते हैं। मेरे भी रास्ते में पड़ेगा और तुम्हें भी पास पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? चलो बोला, लंच कर लेते, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खाना नहीं, मैं सोच रही थी चाय या कॉफ़ी। खाना ठीक है, लगता है इस बार तो हाँ हो ही जाएगी, लड़का भी इंटरेस्टेड लग रहा है। ओके। लंच तो अच्छा हो गया, अब कॉफ़ी भी पी लेते हैं, ठीक है? आई ओके, कंफर्टेबल? कॉफ़ी भी ओके। हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है, छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, लगता है पसंद आ गई हूँ मैं। अच्छा अनु, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, देखो ठीक है? इट्स ओके टू हैंग आउट सम टाइम, है ना? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम ना। हाँ क्या है, देखो ये एल्बम दिया मम्मी ने और इसमें कम से कम 10 लड़कियों की फ़ोटो हैं, तो पहला नंबर तुम्हारा था, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? अगर नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये एल्बम मम्मी ने दी है, मेरा पहला नंबर है। अच्छा ओके, तो अभी ऐसे हंग आउट नहीं कर सकते ना, शादी के बाद हंग आउट कर सकते हैं, वैसे नहीं। अच्छा चलो बाय, आई विल बी गोइंग नाउ। मम्मी मम्मी, लड़का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हैंग आउट करने के लिए कह रहा है, कर लूँ? मम्मी शादी नहीं करनी उसको, अभी और 10 लड़कियां देखेगा। तो ये जो 3 स्टोरीज मैंने आज डाली अपनी लाइफ की, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने, ये लड़का लड़की देखने वाला ड्रामा। आजकल तो शायद ऐसा होता भी नहीं है, आई डोंट नो, होता भी होगा तो। और ये सिर्फ 3 ही स्टोरीज हैं, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास ऐसी। अगर ये पसंद आती है तो इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये इसकी जो 2 स्टोरीज है वो तो बाहर हम दिल्ली में मिले थे, दो लड़कों से, जो एक दीदी आई थी उसकी बहन उसके साथ, और एक जो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और एक से घर पे मिली थी जिसने मुझे गाना सुनाया था। तो ये ऐसी स्टोरीज है और बहुत सारी स्टोरीज है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पसंद आती है तो आई विल बी शोइंग यू मोर स्टोरीज। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।